कोड तो यूज कर रहे हैं, लेकिन कोई भी डाटा SAP से कैसे हम एक्सपोर्ट करें और उस डाटा को फिर एक्सेल में कैसे कन्वर्ट करें। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी प्रोसेस का कोई भी रिपोर्ट हो, तो है कि आपको उसका ट्रांजेक्शन कोड देना है, उसको डाटा को डिस्प्ले करना है, चाहे कोई भी प्रोसेस हो, मैक्सिमम जगह यही होता है। तो आपको सबसे पहला काम है वो ट्रांजेक्शन कोड डालिए, उसके बाद उस डाटा को डिस्प्ले कीजिए, और डिस्प्ले करने के बाद वहाँ ऊपर में एक मेनू होता है जो लिस्ट करके लिखा रहता है, उस लिस्ट में जाना है, फिर लिस्ट में जाके एक्सपोर्ट में जाना है, और एक्सपोर्ट में जाके फिर आपको क्लिक करेंगे तो फिर एक छोटा मेनू आएगा आपके स्क्रीन पे, जिसमें आपको एक्सेल फॉर्मेट में, HTML में, वो चार पांच फॉर्मेट में रहते हैं, जो फॉर्मेट में आपको चाहिए उसको सेलेक्ट करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और फिर वो एक्सेल में कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद। तो ये तो कॉन्सेप्ट है जो आप हर जगह इसी तरह से यूज करेंगे। एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ कि जो कैसे करते हैं। जैसे हम अब इनवॉइस रिपोर्ट है, अब हम इनवॉइस रिपोर्ट को जो है सो सबसे पहले हम डिस्प्ले करते हैं, फिर उसको एक्सपोर्ट करेंगे और फिर कन्वर्ट करेंगे। तो इसको डबल क्लिक कर दिए इनवॉइस रिपोर्ट को, अब यहाँ पे आपको बिल डेट दे दिए कब से के रिपोर्ट चाहिए, तो हमने दे दिया 1 जून 2020 से 24 जून तक। फिर आपको कस्टमर कोड देना है कि कौन सा कस्टमर का निकालना है, डिस्प्ले करना है, फिर कंपनी कोड दे दिए, एग्जीक्यूट कर दिए। ये देखिए हमारा डाटा डिस्प्ले हो गया। अब डिस्प्ले करने के बाद अब हमें क्या करना है, तो हमें एक्सपोर्ट करना है। तो एक्सपोर्ट के लिए आपको कॉन्सेप्ट बताया कि सबसे पहले आपको क्या करना है, लिस्ट में जाना है, तो लिस्ट में हम गए, फिर सेकंड क्या करना है, एक्सपोर्ट में जाना है, फिर आपको किस चीज़ में जाना है, स्प्रेड शीट में या वर्ड में या लोकल फाइल, जिसमें चाहेंगे उसमें कर सकते हैं। तो हम जैसे स्प्रेड शीट में ले लिए, तो स्प्रेड शीट पे क्लिक करेंगे कन्वर्ट करने के लिए, ऑलरेडी एक्सेल फॉर्मेट में ये आया हुआ है, सेलेक्ट होके अब यहाँ पे कंटिन्यू करना है। ये देखिए आप अपने सुविधा अनुसार इसको सेव कर सकते हैं, सेव, एलाओ, एलाओ। ये देखिए आपका एक्सेल फाइल में ये कन्वर्ट होके आ गया आपके स्क्रीन पे। ये देखिए एक तो आप देख लिए कि आप एक्सेल फॉर्मेट में जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं, वही सेम चीज़ हमने एक्सपोर्ट किया, फिर उसको एक्सेल में कन्वर्ट कर लिया।